वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर आतंकी भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी ने यूपी को अलर्ट किया है इसे लेकर। आतंकी साधु या फिर तांत्रिक के लिबास में आ सकते हैं। हमले के लिए कम उम्र के आतंकियों को ट्रेनिंग देकर यूपी भेजा गया है और इस अलर्ट पर यूपी के नए डीजीपी का कहना है कि यूपी पुलिस किसी भी आतंकी हमले को लेकर अलर्ट पर है। हमारी एजेंसी जो है वो सक्रिय है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर ही मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी। तो आतंकी हमले को लेकर ये इनपुट है मध्य प्रदेश की एजेंसीज की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से यूपी सरकार को ये अलर्ट किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। नए डीजीपी का इस पर बयान आ चुका है और उन्होंने ये कहा है कि ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे लोगों को चुना गया है जो कि कम उम्र के हैं, ताकि उन पर किसी तरह का शक ना हो। साथ ही तांत्रिक के लिबास में आतंकी हमला कर सकते हैं, भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं आतंकवादी। अलग अलग इनपुट्स मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूपी सरकार को दिए हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल मेरे सहयोगी राजू दे रहे हैं। राजू, और क्या 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 इनपुट्स आए हैं इसे लेकर, पुलिस की तैयारी क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में इनपुट आने के बाद पुलिस अपनी तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि एमपी पुलिस की तरफ से ये अलर्ट यूपी पुलिस को बताया गया कि जो 20 से 25 आतंकी हैं जो भारत और नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकते हैं, साधु संत के वेश में हो सकते हैं, तांत्रिक के वेश में हो सकते हैं और कई जगहों पर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद जो यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी ऐसा संदिग्ध देखे तो उसकी गहनता से छानबीन की जाए, पूछताछ की जाए, उसके बाद ही है कि अब साधु के वेश में होंगे तो ऐसे लोगों पर खासा नजर होगा। बिजनौर में जो हमला हुआ था या फिर वो मध्य प्रदेश के जेल से जो सिमी के आतंकी भागे थे उनकी मौत के बाद इस तरह से जो अलर्ट आया है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला, और इसके बाद हमारी खुफिया एजेंसियां हैं और जो पुलिस है। राजू, अभी दो दिन पहले यूपी एटीएस ने भी बड़ी कार्रवाई की थी, कुछ संदिग्धों को अरेस्ट किया था, क्या इसका लिंक उनसे पूछताछ में भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है जो बातें निकलकर सामने आई है? निश्चित तौर पर ये अलर्ट जारी किया गया है, कई लोग जो अरेस्ट हुए थे दो तीन दिन पहले उसके बाद ये अलर्ट यूपी पुलिस को भेजा गया, कहीं ना कहीं पूछताछ में कुछ बातें सामने आई है। और ये भी जो एक जो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि 25 लोग भारत नेपाल के रास्ते से आ सकते हैं, तो ये पूछताछ के बाद ही अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है ताकि कोई भी ऐसा संदिग्ध देश के अंदर घुस ना सके और ऐसी किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पूरी जानकारी देने के लिए।